आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भोजपुरी स्टारों के साथ ही बीजेपी के वीआईपी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा के सांसद दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी मृदुल के साथ ही गायक रितेश पांडे व बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भी आजमगढ़ पहुंचे। भाजपा के जिला कार्यालय पर मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ को एक अवसर मिला है कि यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ को संसद भेजें। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे अखिलेश यादव जी, उन्हें आजमगढ़ के लिए संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। चाहे वह तारांकित हो या बिना तारांकित का, वह यहाँ राजा की तरह आते थे, राजा की तरह जाते थे। यह देखा जा सकता है कि उनके सांसद बनने के बाद से उनके और दिनेश लाल यादव के आजमगढ़ आने की समीक्षा की जाए तो दिनेश लाल यादव ज़्यादा आजमगढ़ आए होंगे। उन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव कलाकार के साथ ही सामाजिक दायित्व को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि वह आज रोड शो करने के लिए आए हैं और लोगों को बताएंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के आजमगढ़ से सांसद बनने पर विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहे तो आजमगढ़ के लिए हजारों करोड़ों की योजना ले आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मनोज तिवारी ने अपने बारे में कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने 8 साल में अपने क्षेत्र के लिए 13,600 की योजना ले आए, ऐसा अखिलेश भी यहाँ के लिए कर सकते थे। मनोज तिवारी ने अपने प्रसिद्ध गाने काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है को भी सुनाया। रितेश पांडे ने निरहुआ के पक्ष में गाना गाकर सुनाया। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने कहा कि सेना में अग्निवीर भर्ती के मामले में इस समय युवाओं को भड़काने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत है, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है अग्निवीर के माध्यम से अपने करियर को बनाने का। इससे पहले NCC कैंडिडेट भी प्रशिक्षित किए जाते थे, लेकिन अग्निवीर जवानों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 36,000 और तीसरे साल 40,000 रुपए मिलेंगे। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पहले तो चुप रहिए, मैं मनोज तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूं, आजमगढ़ के लोगों को थ्रू आजमगढ़ मीडिया। यहां का उपचुनाव है और बहुत अजीब परिस्थितियों में चुनाव है। इस चुनाव की कल्पना किसी ने किया नहीं था। आज हम एक रोड शो के लिए दिनेश लाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, संतोष भैया माइक हटा दीजिए, हम आज आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कृपाशंकर सिंह जी भी मुंबई से आए और हम लोग बनारस से साथ हो लिए। हमारे साथ एक भोजपुरी दुनिया सिनेमा गायन इसके बहुत बड़े सुपरस्टार रितेश पांडे जी हैं, ये भी आज दिनेश लाल यादव के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में यहाँ हैं। और मंच पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ देखते हैं इस काशी प्रांत, अशोक राय जी हैं। और यहाँ पे हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी बस इतनी प्रार्थना है आजमगढ़ के लोगों से कि आजमगढ़ बड़ा दुर्भाग्य झेल चुका, जब आज में एक संसद के सदस्य के रूप में जो आजमगढ़ के पहले सांसद रह चुके हैं, जिनके भागने के कारण ये चुनाव आया है, उन अखिलेश यादव जी को अगर उनका एक डेटा बताऊं आजमगढ़ को, तो बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से वो सांसद बने हैं उन्होंने एक भी प्रश्न, चाहे तारांकित या अतारांकित, उन्होंने आजमगढ़ से संबंधित किया ही नहीं है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड बाई अखिलेश यादव जी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी उपस्थिति को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा राजा की तरह आते हो, राजा की तरह जाते हैं, जैसे एहसान करते हो वो संसद पे। ना के बराबर 32%
मतलब जो फेल वाला होता है वो 33% कम से कम होना चाहिए, तो उपस्थिति में फेल है। और आजमगढ़ आज कई सारी समस्याओं को अगर झेल रहा होगा तो उसका कारण यहाँ के सांसद रहे लोग ही हैं जिन्होंने एक बार भी आजमगढ़ का कोई बात सदन के ऊपर नहीं रखा कि यहाँ कोई ये समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या होगी, यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ सिंचाई की समस्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र का कितना काम कर सकता है मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 साल में 13,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के अपने यहाँ खर्च किया है। अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो चाहते जिस दिन एक दिन भी बोल देते प्यार से तो 2,000 करोड़ रुपया मिल जाता, 5,000 करोड़ रुपया मिल जाता। और जो मुख्यमंत्री रहे हो, तो इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि आजमगढ़ अपने दुर्भाग्य को आज हटाने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव को अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाई है। दिनेश लाल यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने कला के साथ साथ समाज के दायित्व को उतनी ही गंभीरता से लेता है। मुझे तो लगता है अगर ये देखा जाएगा कि सांसद बनने के बाद 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव जी की कितनी उपस्थिति रही और दिनेश लाल यादव की कितनी, तो उसमें दिनेश लाल यादव का ज़्यादा उपस्थिति, दिनेश लाल यादव के तरफ से यहाँ के बिंदुओं को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्तर पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे ज़्यादा उठाई गई है। तो हम आज आप सबके, आज विद्वान मीडिया के थ्रू आजमगढ़ से यही प्रार्थना करने आए हैं कि आजमगढ़ एक बार दिल खोल करके अपने धरती के बेटा को दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करे, कमल का बटन दबाए 23 जून को। और यही प्रार्थना के साथ मैं आजमगढ़ में रोड शो के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी हैं, आप कोई सवाल करेंगे तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन आपसे भी चाहेंगे कि 2-4 लाइन आज के आने के उद्देश्य को कह दें। हेलो भैया, पहले तो आप ही बता दीजिए कि कलाकारों को जिस तरीके का दबाव दे रहे हैं, एक बार इनको सुन लेते हैं फिर सवाल ले लें। बैठ के बतिया लेंगे तो उनके मुरीद हो जाएंगे, और दिल से हमारा विश्वास है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम आजमगढ़ की जनता से एक बार हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि एक बार आप लोग उन्हें मौका देकर देखें। हमारा दिल से विश्वास है कि वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। और बार बार आप लोग एक सवाल कर रहे थे, कोई नचनिया बोल रहा था, तो इस विश्व के सबसे पहले नचनिया है भोलेनाथ। इससे ज़्यादा क्या कहें, जो विश्व को बनाया है वही विश्व का सबसे पहला नचनिया है। आप भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, तो जो इसको समझने वाले लोग हैं, अपमानित करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और दिल से विश्वास है कि इस बार हमने जितने लोगों से बातचीत की उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ की जनता बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को मौका देने जा रही है। बस भगवान का नाम लीजिए और दिनेश लाल भैया को जिताइए, उन्हें 2 साल का मौका दीजिए, उसके बाद फिर से चुनाव है। आप 2 साल का मौका दीजिए, उसी में देख लेंगे आप लोग कि कितना अच्छा काम है।